हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है, क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रीतपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूं, आपसे जिज्ञासा रखता हूं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? भाई साहब आप लेट है इधर इधर नहीं, आप सवाल आपके पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया, किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर का मतलब नेक्स्ट, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे, ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजनेटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से ये फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में भी लिखा है, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेगा, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेगा, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है पुनर्जन्म, जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहां लेगा नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नहीं अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर के ना? स्वर्ग में जाएंगे तो, स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या फिर? स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर? कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापिस आते, अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापिस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापिस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलोसफी संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है। उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में, यक्षा है क्या? अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 3 से। আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই, তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? उनका सवाल था कि अगर कोई मुसलमान हुआ तो उसके लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है, एक सवाल। और दूसरा सवाल उनका था कि मुसलमान होने के बाद क्या उसको खतना करना ज़रूरी है, ये दो सवाल। मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, लेकिन सवाल समझ गया, गाय गोश्त समझ गया। मेरे बंगाली टीवी के ऊपर डबिंग आती, लोग समझते बंगाली, जानता हूँ मैं, लेकिन ये सवाल समझ गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान बनने के लिए क्या गाय का गोश्त खाना ज़रूरी है और खतना करना ज़रूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फ़र्ज़ नहीं है। आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते
शाकाहारी होने के बाद भी फर्ज नहीं है। यहां तक कि दूसरा सवाल है कि खतना करना जरूरी है। खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौकदा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूं तो मुसलमान बन सकता हूं, हाँ बन सकते हैं। खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीजें हो सकती है, कई फायदे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूं, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूं? कर सकते। आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम अज कम इंशाल्लाह शर्क से बचेंगे। भाई साहब कैसे आपके इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे, सर सोचेंगे। हाँ सर सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा एक के। अब हम चलते हैं माइक नंबर 4 पर। अगर वहाँ पर कोई गैर मुस्लिम खातून आई हैं तो सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल वास्तुतंत्र के हिसाब से घर बनाना बहुत कॉमन हो चुका है, तो ये कितना दूर सही है या गलत है? मेन का सवाल है कि वास्तुतंत्र के हिसाब से घर बनाना कितना सही है। ये एक साइंस है जो अभी ज्यादातर फेमस, और पहले फेमस नहीं था, कि इसे दिशा में रखेंगे तो यहाँ से हवा आएंगे। अगर आप ये साइंटिफिक लेंगे, और साइंटिफिक फायदा होता है क्या, खिड़की अगर इस दिशा में, इस दिशा से हवा आ रही है, ज्यादा सर्कुलेशन, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर दीनी एतबार से बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, तो ये गलत है। अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि इससे सर्कुलेशन, तो कुछ चीज सही है, कुछ चीज गलत है। तो अगर आप साइंस के मुताबिक लेते हैं कि ऐसा करने से हवा ज्यादा आ सकती है और आपका सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सोचे कि ऐसा बनाएंगे तो जिंदगी अच्छी होगी, ऐसा बनाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो घर कैसा भी बनाओ जन्नत में जाने के लिए कुरान के ऊपर अमल करना चाहिए। अगर साइंटिफिकली कुछ फायदे होते हैं आपकी जिंदगी में रहने के लिए, कोई एतराज नहीं। लेकिन ये सोचेंगे कि आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे इसके वजह से, तो ये विश्वास बिल्कुल गलत है। एक बार मैं फिर वाजह कर दूं, अपना नाम और अपना प्रोफेशन सवाल करने से पहले जरूर बताएं। अब हम फिर लौट आते हैं माइक नंबर 1 की तरफ। माइक नंबर 1 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम को आप स्वीकार करें। किशनगंज की पावन धरती पे आप आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है मनीष कुमार जालान, मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और उसमें हम 3 पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर भी उसमें है। मेरा बिजनेस 18 साल से उनके साथ है। कभी धर्म के कारण कभी कोई कंट्रावर्सी हमारे बीच में नहीं आई है, और भगवान के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आगे भी नहीं आएगा। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है का सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया, वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है, स्मृति और श्रुति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे, दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जो पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः सतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालदेन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालदेन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः सतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा।
ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से आप आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असमुद्धि उपास्ते। अंधात्म मीन अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असमुद्धि उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असमबुद्धि की पूजा करते। असमबुद्धि मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा पानी आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा पानी आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता रहा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो सम्भूति की पूजा करते। सम्भूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल चेयर आइडल मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एक कम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। सत्य एक है, खुदा एक है, एक कम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। लोग विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्ला विदुर्रहमान अयमतदु फलाउस्मान उस्ना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई, ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुष्टि ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एक कम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 104 जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरह नंबर 112 जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है भगवान है ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, जनाब सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में मैंने मान लिया, मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं और रिसर्च किया हूं। रिसर्च में लिखा है वेद में पुराना में कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं, इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से मुझे हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इसे कहते कुंटप सुक्तास। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद
किताब नंबर एक चैप्टर नंबर 53 श्लोक नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल्कि पुराना में। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि कलयुग में, कलयुग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं का भगवान नीचे आना, अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवतर, अवतर मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है, इट बिलोंग्स टू गॉड नॉट गॉड हिमसेल्फ, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर पैगंबर। तो कल युग में कल के अवतार आएगा, उसके बाप का नाम है विष्णु व्यास, विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था, उसकी माँ का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन शांति, अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर का रखवाला था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में एक केव के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गार हिरा में रात के वक्त हम जानते हैं, फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना पर वापस आया, उनके चार करीब दोस्त होंगे सबसे पहले चार खुल्फा राशिदीन, ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के जिक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और यकसानियत है शराब मत पियो जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 90 शराब मत पियो, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है, कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 90 मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो, हिजाब पहनना चाहिए कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई अक्सान है, सबसे अहम दो अक्सानियत है पुनर्जन्म वेद में कुरान में, सबसे अहम अक्सानियत खुदा है कि उसका अक्स नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप मानते हैं भाई साहब के खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है, और अपने धर्म को जो जानता हूं उस हिसाब से हमें, हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद, वेद जो है श्रुति, वेद उपनिषद, फिर आएंगे आपके महाभारत, भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता, आप समझे ना, कहते हैं ये निचोड़े वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना। तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते नहीं? ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूं उसे लिखिए, या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में, किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई से आया बेगम बाकी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है, नहीं नहीं हो सकता है ना, फेंक रहा हूँ। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं पिस टीवी में भी देखता हूँ, देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं, आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं, कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होके छोड़िए मत, तहकीक कीजिए। नहीं, या अब गलत या सही, अब नहीं, करेंगे, अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? एक हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी, एक हफ्ते में। मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा, आपने बोला अब तक कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई, मेरा कॉन्ट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है, आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करना, अगर आदमी बोला 2 जमा 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 जमा 2 5, गलत है ये, अगर है तो बोलना चाहिए। कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कॉन्ट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है, आप समझ रहे नहीं? तो आपके पार्टनर से कहो, इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप की है, अभी आप एक हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है, और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना। आप ठीक बोल रहे हैं, मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूंगा, सैयद मजरूल हसन साहब नाम है उनका, सैयद मजरूल हसन साहब, तो लाखों लोग सुन लिए ना,
हाँ सैयद मजरूह हसन साहब को और हमारे से 15 साल बड़े भी हैं, मेरे से 15 साल बड़े भी हैं। हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है, परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रावर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी पढ़ूंगा। कंट्रावर्सी नहीं है, कंट्रावर्सी नहीं, इंसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूं, मैं देखे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे लेके जा रहा हूं। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूं। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले मैं जरूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, लेके जा रहे, अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देके भी जाएंगे सवाब इंशाल्लाह। मेरा प्रणाम को फिर स्वीकार करें आप। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। डॉक्टर साहब, मैं बंगाल से हूं और मुर्शिदाबाद जिला से हूं। मैं अपने मन से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूं। माशाल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत वरैतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। आप देखेंगे लोग फौज दर फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और हम अल्लाह सुब्हान से दुआ करते और इस्तिगफार करते। और ये आप देख रहे नज़ारा माशाल्लाह, हिंदुस्तान में किशनगंज की सरजमीन पे माशाल्लाह। भाई साहब, आप एक खुदा में मानते हैं? मानता हूँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। आप पे कोई भी दबाव है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं डॉक्टर साहब। आप अपने मन से करना चाहते हैं इस्लाम कबूल? अपने मन से करना चाहता हूं। आप पे कोई भी प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना इस देश में हराम है, इस्लाम या कोई भी मजहब में जबरदस्ती करना हराम है इस देश में। और इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम मजहब में भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बनाना गलत है। तो आप अपने मन से करना चाहते भाई साहब? मैं अपने मन से पूरे होशो हवास से। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। ठीक है। अशदु अशदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशदु अशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और डॉक्टर साहब, जी हाँ बोलिए। मेरा एक मन की ख्वाहिश है, जी हाँ, कि मैं आपके हाथ से कुरान शरीफ को पाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। आप कौन सी जबान में महारत रखते हैं भाई साहब? बंगाली या बंगाली का? हाँ, बंगाल का हूँ। बंगाल का? तो बंगाली में महारत रखते हैं। मैं दरखास्त करूंगा अगर कोई वॉलंटियर्स बंगाली का तर्जुमा ला सकेंगे, बंगाली और हिंदी का तर्जुमा कुछ चंद ला सकेंगे वॉलंटियर्स। भाई साहब आप आगे आ सकते हैं, जब तक आप आगे आएंगे इंशाल्लाह हम सवाल जवाब के सेशन को बढ़ाते रहेंगे। हाँ, ठीक है। मैं दरखास्त करता हूँ वॉलंटियर से अगर बंगाली और हिंदी का तर्जुमा यहाँ लाके स्टेज पे देंगे तो इंशाल्लाह मैं ये नौ मुस्लिम को पेश कर सकूंगा। सर मैं आपके पास जाना हूँ। जी हाँ भाई साहब।